हेलो एवरीवन, आरचल 6 के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सीखेंगे एनएफएस सर्वर का कॉन्सेप्ट। एनएफएस सर्वर का ये सीरीज का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हमें देखना है कि एनएफएस सर्वर क्या होता है, क्या इसका यूज होता है, कैसे इसको यूज करते हैं, ये सब हमें सीखना है। ठीक है, कौन कौन सी इसके सर्विसेज होती हैं, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, ये सारे इस वीडियो हम सीखेंगे। तो बेसिकली हम बता दें कि एनएफएस सर्वर, एनएफएस स्टैंड्स फॉर नेटवर्क फाइल सिस्टम, यानी एक तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो, रिमोट होस्ट के फाइल सिस्टम को आप अपने मशीन पर माउंट करवा सकते हो। और ये ऐसा आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करके देगा कि यूजर को ऐसा फील होगा कि ये जो फाइल सिस्टम है रिमोटली ना होकर के लोकली माउंटेड हुआ है। ऐसा एनवायरनमेंट जब भी आपको क्रिएट करना हो तब आप एनएफएस सर्वर का यूज कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है कि एनएफएस सर्वर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सेंट्रलाइज स्टोरेज भी आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये यूजर जो है, ये जो क्लाइंट है, वो सभी इनका सभी का डेटा कहाँ सेव हो, फाइनली इस सर्वर पर सेव हो, तो आप इस सर्वर को एनएफएस सर्वर बना सकते हो। एनएफएस सर्वर बना करके आप इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर आप प्रोवाइड कर सकते हैं एनएफएस सर्वर के थ्रू। दूसरा और एनएफएस के फायदे क्या हैं, एनएफएस अलाउड लोकल एक्सेस टू रिमोट फाइल्स, इट यूजेज स्टैंडर्ड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉर फाइल शेयरिंग बिटवीन ऑल यूनिक्स या एनआईएक्स बेस्ड मशीन्स, एनआईएक्स यानी यूनिक्स और लिनक्स दोनों में यूज होता ही है। विद एनएफएस इट इज़ नॉट नेसेसरी डेट बोथ मशीन रन ऑन द सेम होस्ट, यानी जब आप एनएफएस यूज कर रहे हैं तब आपको ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि दोनों मशीन पर सेम होस्ट हो, यानी डिफरेंट होस्ट हो तब भी आप यूज कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ एनएफएस वी कैन कॉन्फिगर सेंट्रलाइज स्टोरेज सोल्यूशंस, यानी एनएफएस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेंट्रलाइज स्टोरेज सोल्यूशंस आप क्रिएट कर सकते हैं। यूजर्स गेट दैट डेटा इरेस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल लोकेशंस, आज यूजर आसानी से अपना डेटा एक्सेस कर सकता है। नो मैनुअल रिफ्रेश नीडेड फॉर न्यू फाइल्स, यानी आपको बार बार जैसे ये आपने सर्वर बना रखा है और इस पीसी ने एक्सेस, इस क्लाइंट ने उसको एक्सेस किया उस सर्वर शेयर को, एनएफएस शेयर को, बाद में उसमें इसने कोई फाइल क्रिएट की, अब वही फाइल इसको देखनी है तो इसको बार बार मैनुअल रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, जबकि विंडोज़ में क्या होता है, जब भी आप कोई नई फाइल क्रिएट करेंगे किसी शेयर में तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको रिफ्रेश करना पड़ता है, ऐसा एनएफएस में ज़रूरी नहीं है, उसकी नीड आपको नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो नए वर्जन है एनएफएस के, वो ACL भी सपोर्ट करते हैं, PCI सपोर्ट करते हैं, रूट माउंट भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और आप एनएफएस को फायरवॉल और कैरबोरोज के थ्रू सिक्योर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक आप बात आप ध्यान रखिएगा कि एनएफएस आप जब भी माउंट कर रहे हैं, एनएफएस के थ्रू आप जब भी किसी को शेयर कर रहे हैं तब वो क्या करता है कि क्लाइंट को ऑथेंटिकेट की प्रिविलेज जो देता है वो क्लाइंट को देता है, न कि किसी यूजर को। यानी अगर आपने इस क्लाइंट को जैसे कोई फोल्डर डायरेक्ट एनएफएस शेयर किया है, यहाँ से कोई डायरेक्ट आपने शेयर की है, कोई फाइल सिस्टम आपने यहाँ से शेयर किया है और इस क्लाइंट को आपने फुल अथॉरिटी दी है, तो इस क्लाइंट पर किसी भी यूजर से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी ये जो आप प्रिविलेज दोगे यहाँ से वो उस क्लाइंट को मिलेगा, न कि किसी स्पेसिफिक यूजर को। ठीक है, ये एनएफएस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, यानी जब भी आप एनएफएस शेयर कर रहे हैं तब आप ये ध्यान रखिएगा कि किस क्लाइंट को कौन सा प्रिविलेज देना है, यानी आप पूरे नेटवर्क को एक जैसा प्रिविलेज दे सकते हो, आप यूनिक किसी क्लाइंट को यूनिक प्रिविलेज देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हो। ठीक है, और इसके बाद में एनएफएस की कुछ सर्विसेज होती है जैसे पोर्ट मैप, एनएफएस और RPC माउंटेड। तो पहली जो सर्विस है पोर्ट मैप, ये सर्विस का काम क्या होता है कि एक पोर्ट मैपिंग का काम करती है, जैसे कि कोई क्लाइंट कोई भी रिक्वेस्ट कर रहा है एनएफएस एक्सेस शेयर को एक्सेस करने के लिए, तो क्लाइंट के द्वारा प्रोवाइड की गई रिक्वेस्ट को ये करेक्ट RPC प्रोग्राम के साथ मैप करता है। अगर ये सर्विस काम नहीं कर रही है तो पोर्ट मैपिंग होगी नहीं, और पोर्ट मैपिंग नहीं हुआ तो आपका एनएफएस काम नहीं करेगा। दूसरा कि RHEL 6 में पोर्ट मैप को रिप्लेस किया गया है RPC बाइंड के साथ, यानी RHEL 6 से पहले जितने भी वर्जन है उसमें आप पोर्ट मैप यूज कर सकते हैं, पोर्ट मैप यूज होता था, और बाद में RHEL 6 में पोर्ट मैप की जगह RPC बाइंड यूज होता है। अगर आप NFS वर्जन 4 यूज करें तो उसमें RPC बाइंड या पोर्ट मैप की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में NFS क्या करती है, इट ट्रांसलेट रिमोट फाइल शेयरिंग रिक्वेस्ट इनटू रिक्वेस्ट ऑन द लोकल फाइल सिस्टम, यानी जो भी क्लाइंट रिमोटली किसी होस्ट को
के फाइल सिस्टम को एक्सेस करना चाहता है तो उसको ट्रांसलेट करता है, ठीक है, और वो सर्विस प्रोवाइड करता है उसको। फिर उसके बाद में आरपीसी माउंटेड, दिस सर्विस रेस्पॉन्सिबल फॉर माउंटिंग एंड अनमाउंटिंग ऑफ फाइल सिस्टम। यानी ये सर्विस क्या करेगी कि जो भी आप फाइल सिस्टम माउंट कर रहे हैं या अनमाउंट कर रहे हैं तो उसके लिए ये सर्विस वर्क करती है। अगर ये सर्विस वर्क नहीं कर रही है, बंद है, तो आप किसी भी एनएफएस शेयर को माउंट अपने पीसी में माउंट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद कुछ मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है, जैसे एनएफएस की मेन फाइल होती है ईटीसी एक्सपोर्ट। यानी जब भी आपको कोई शेयर करना है एनएफएस के थ्रू, तब आपको उसकी एंट्री कहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी, ईटीसी एक्सपोर्ट्स में, इस फाइल में आपको एंट्री करनी पड़ेगी। इसके बाद में ईटीसी एफएस टैप, इस फाइल का यूज़ क्या होता है कि जैसे क्लाइंट पर आप अगर आप ये फाइल यूज़ नहीं कर रहे हैं और उसके बाद इस सर्वर के थ्रू इस सर्वर का कोई फाइल सिस्टम आप यहाँ पे माउंट कर रहे हैं, तो वो जो माउंटिंग होगी वो टेम्परेरी होगी। यानी जैसे ही ये मशीन रिबूट होगा, वो माउंट पॉइंट की जो एंट्री है वो इरेज हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी या रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये मशीन रिबूट होने के बाद में भी वो एंट्री रहे, माउंट पॉइंट की एंट्री रहे, तो आपको एंट्री कहाँ करनी पड़ेगी, इस फाइल में करनी पड़ेगी। यानी परमानेंट एंट्री जब भी करनी हो माउंटिंग पॉइंट की, तब आपको ये फाइल यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। उस बाद में ईटीसी सिस कॉन्फिग एनएफएस, यानी ये एनएफएस की मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, ठीक है। यानी किस पोर्ट पे कौन सी सर्विस रन होगी, ये आप यहाँ से इस फाइल से आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। और एनएफएस का जो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है वो होता है 2048, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग से भी ये इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। ब्लॉग ओपन करने के लिए सिंपली आपको गूगल में लिखना है सुमेर सिंह तवर और ब्लॉग, ये लिखना लिखोगे तो आपको ये ब्लॉग ओपन हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर क्लिक करना है तो यहाँ पर मेरा ब्लॉग ओपन होगा और यहाँ से आप एन एफ एस और कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल उसको मिल जाएगी। यानी सॉरी, एन एफ एस का जो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है वो TCP 2049 होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आप यहाँ से डिटेल्स और भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। एन एफ एस कैसे कॉन्फिगर करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा कि एन एफ एस का क्या यूज़ होता है, कब उसको यूज करते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, वो किसका उसकी सर्विसेज कौन सी होती है, पोर्ट नंबर कौन सा होता है, और उसकी जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो कौन कौन सी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें और मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।